हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कृष्णा स्टूडियो चैनल पर। और आज हम आप लोगों को बताएंगे, देख सकते हैं आप लोगों के सामने एक हमारे पास ये फोटो है। ये फोटो डार्क है, इसको कैसे आप लोग एडोब फोटोशॉप 7 में लाइट कर सकते हैं। तो हमने देखिए आप लोगों के सामने ये फोटो है, हमने इसको एडिट करके इस तरीके से बनाया हुआ है लाइट करके। तो ये एडोब फोटोशॉप 7 में एक छोटा सा ट्रिक है, लेकिन बहुत ही ये बढ़िया ट्रिक है। तो इस ट्रिक को कैसे आप लोग भी यूज कर सकते हैं आज की अपनी वीडियो में बताएंगे हम। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप 7 में। तो सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप हमारा ओपन होने के बाद इस फोटो को हमको लेकर आना है फोटोशॉप 7 में। अब देखिए हमारा फोटोशॉप यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसके बाद ये फाइल मेनू है, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम और ये ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास देखिए ये फोटो है, जैसे आप लोग जहाँ भी अपनी फ़ोटो रखे होंगे तो वहाँ से आपको ओपन करना होगा। हमारे पास ये फ़ोटो है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से अगर आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फोटोशॉप में, तो ये जो ऊपर वाला है यूज द एम्बेडेड प्रोफाइल, इसको आपको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है यहाँ से। अब इसके बाद इस फोटो को हम बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये फ़ोटो पूरी जो है इस दुल्हन की फ़ोटो शूट की गई है शादी में, और ये फ़ोटो डार्क है। तो इसको जैसे आप लोगों के पास ऐसी फ़ोटो आएगी तो कैसे इसको आप लोग लाइट कर सकते हैं फोटोशॉप में, आज की वीडियो में हम यही बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए हमारे पास ये लेयर है, लेयर मेनू, अगर ये आपका शो नहीं कर रहा होगा यहाँ पे तो देखिए विंडोज मेनू में जाना होगा और ये देखिए लेयर है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसकी डुप्लिकेट कॉपी बनानी है। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले उसकी डुप्लिकेट कॉपी बना लेते हैं हम कंट्रोल जे से। तो इस वाली लेयर पर हमको रहना है। तो ये देखिए एडजस्टमेंट टूल है यहाँ पे, और ये सबसे ऊपर देखिए सॉलिड कलर है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कलर पिकर हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ से हमको वाइट कलर यहाँ से पिक करना है। वाइट कलर पिक करेंगे तो ये पूरे फोटो पे वाइट कलर फिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब जो हम ये हमारी लेयर है सॉलिड कलर वाली, ये देखिए इसकी जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन नॉर्मल है अभी, इसको हमको सेलेक्ट करके सॉफ्ट लाइट करना है। यहाँ पर देखिए सॉफ्ट लाइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ़ोटो हमारी तुरंत लाइट हो गई। आप देख सकते हैं कितना अंतर हो गया फ़ोटो में। तो पहला काम ये हो गया हमारा, लाइट हो गई फ़ोटो। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बालों का कलर है थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, और ये जो साड़ी का कलर ये भी थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा हम कलर करेक्शन करेंगे सही से। तो फिर से हम यहाँ पर देखिए इस एडजस्टमेंट लेयर पर जाएंगे और हम चूज करेंगे सेलेक्टिव कलर। इसको चूज करने के बाद देखिए रेड कलर है, तो इस पर हमें रहना है रेड कलर पर ही। और जो सियान है इसको हमको प्लस की तरफ थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं 10 के आसपास हम बढ़ा लेंगे इसको। अब इसके बाद देखिए ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर पे आएंगे। ब्लैक कलर लेने के बाद ये जो बाल का कलर है चेंज हो गया है, इसको थोड़ा सा हम सही करेंगे। तो ब्लैक जो है हम बढ़ाएंगे, तो इसमें हम ब्लैक कलर 20 के आसपास कर लेंगे अपने फ़ोटो में। आप अपने फ़ोटो के अनुसार इसको बढ़ाना होगा आप लोगों को। अब हमारा काम यहाँ पर हो गया है, इसको ओके कर लेंगे। अब थोड़ा सा फ़ोटो में लाइट और देंगे हम, तो इसी एडजस्टमेंट लेयर पे ही जाएंगे फिर से। अभी देखिए कर्व टूल है यहाँ पे, हम कर्व टूल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और इसमें भी देखिए चैनल ही है, इस चैनल में आप क्लिक करेंगे तो आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, तो हमें आरजीबी पे पहले काम करना है। आरजीबी को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे इस तरीके से बढ़ाएंगे, देखिए फोटो थोड़ा लाइट और हो रही है। अब इसके बाद इसमें येलो टोन थोड़ा सा है, तो हमको येलो टोन कम करना है, तो ब्लू कलर को हम यहाँ ब्लू चैनल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और इसको हम देखिए नीचे लेकर आएंगे येलो टोन हो जाएगी ये फोटो, इसलिए हमको इसको ऊपर लेकर जाना है। ऊपर लेकर जाएंगे देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया फोटो में, आप पहले इस तरीके से थी, अब थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे ब्लू इसमें, तो ऐसी फ़ोटो हो जाएगी हमारी। तो इतना हम करने के बाद ओके कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितना डिफरेंस हुआ है आप लोगों को हम दिखाते हैं। यहाँ पर सारे लेयर को हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हमारी फ़ोटो इस तरीके से थी, और एडिट जब हमने किया इस तरीके से फ़ोटो हो गई। तो इस तरीके से आप लोग फोटोशॉप 7 में फ़ोटो को लाइट कर सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत ये जो दाग धब्बे हैं इसमें रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पैच टूल है और इसके ऊपर हीलिंग ब्रश टूल है, इसको हमको सेलेक्ट करना है हीलिंग ब्रश को, और थोड़ा सा राइट क्लिक करेंगे डायमीटर को बड़ा कर लेंगे, और ये हार्डनेस 0 100 रखेंगे, और स्पेसिंग ये हमको 25 भी रखना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम अल्ट प्रेस करके आपको यहाँ से सैंपल लेना है, अल्ट प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे यहाँ सैंपल ले लेगा ये।
अब आप लोगों को बस सॉरी इस पे आना है, इस लेयर वन पे आना है। अब यहाँ सैंपल लेंगे हम, अब इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे, सारे दाग धब्बे जो भी हैं रिमूव हो जाएंगे इस तरीके से। इसको भी आप चाहेंगे तो हटा सकते हैं इस तरीके से, छोटा छोटा सलेक्शन बनाकर इसको भी इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो आप हीलिंग ब्रश से जो भी दाग धब्बे हैं यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए हमने पूरा रिमूव कर लिया, तो फोटो हमारी बिल्कुल परफेक्ट एडिट हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने पूरे फोटो को एडिट कर लिया। अब यहाँ से देख भी सकते हैं सारे लेयर को, यहाँ से बंद करेंगे तो एक एक देखिए हमने इस तरीके से फ़ोटो थी पहले इस तरीके की, और जब हमने पूरे एडिट किया फ़ोटो को तो इस तरीके से ये फ़ोटो हमारी बन गई। तो आप लोग भी इस तरीके से फ़ोटो एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप 7.0 में। इसके बाद सारे लेयर को हमको मर्ज करना है, तो देखिए ये लेयर मेनू में जाएंगे और यहाँ पर फ्लैटेन इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी लेयर मर्ज हो जाएगी। अब इसके बाद आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं कहीं भी, तो देखिए यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, तो मान लीजिए हम सेव कर देंगे डाउनलोड फोल्डर में और यहाँ से सेव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। फोटो हम ओपन कर देख लेते हैं डाउनलोड फोल्डर में, हमारी देखिए फोटो यहाँ पे सेव हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो आप लोग भी ये ट्रिक यूज कीजिए, और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो आप लोगों को हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।